सो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्मी फॉरएवर पर। अब दोस्तों, बॉलीवुड में कभी भी अगर बड़ी फिल्मों की बात की जाती है, 1000 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन मूवीज की बात की जाती है, तो हम बाहुबली 2 मूवी की बात करते हैं, दंगल मूवी की बात करते हैं, RRR मूवी की बात करते हैं, KGF 2 मूवी की बात करते हैं, और अब हम पठान और जवान मूवी की भी बात करते हैं। लेकिन ये सिर्फ दोस्तों 1000 करोड़ क्लब तक शामिल है। अब दोस्तों बॉलीवुड में एक ऐसी मूवी बनने जा रही है जो 1000-2000 करोड़ नहीं बल्कि 5000 करोड़ तक शामिल होने का पोटेंशियल रखती है। जी हाँ दोस्तों, अभी नीतीश तिवारी जो हैं वो रामायण बनाने जा रहे हैं। मूवी का नाम दोस्तों रामायण होने वाला है, डायरेक्टर नीतीश तिवारी होने वाले हैं, और उस मूवी में यानी कि रामायण में जो कास्ट होने वाले हैं उनकी सभी कास्ट के नाम निकलकर लिस्ट निकलकर सामने आ चुकी है। और इस मूवी का बजट बता दें तो लगभग 700 से 800 करोड़ तो सिर्फ मूवी का बजट होने वाला है, क्योंकि इसमें जो स्टार कास्ट है उसे सुनकर आप हिलने वाले हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि जो नीतीश तिवारी की रामायण होने वाली है उसमें हमें कौन कौन क्या क्या रोल निभाते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले दोस्तों जो राम जी का किरदार है वो निभाने वाले हैं रणवीर कपूर। जी हाँ दोस्तों, राम जी का किरदार रणवीर कपूर निभाएंगे। वहीं पर जो सीता माता होंगी उनका किरदार हमें सई पल्लवी निभाती हुई नजर आएंगी। इसके बाद दोस्तों जो रावण होने वाला है वो हमारे रॉकी भाई यानी कि यश, जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यश को मिला हुआ है रावण का किरदार निभाने के लिए। इसके बाद जो हनुमान का किरदार होगा हमारे हनुमान जी बजरंगबली, वो सनी देओल निभाने वाले हैं हनुमान जी का किरदार। अब आप सोचिए कि कितने अग्रेसिव लगेंगे हनुमान जी के किरदार में सनी देओल। इसके बाद अगर हम बात करें तो कैकई, कैकई का जो किरदार है वो लारा दत्ता हमें निभाती हुई नजर आएंगी। और लास्ट में जो नाम रिवील्ड हुआ है, जो विभीषण होने वाले हैं रावण के भाई, जो मतलब वहां की बातें इधर पहुंचाते हैं, वो दोस्तों विजय सेतुपति निभाने वाले हैं। अब इतनी बड़ी स्टार कास्ट, रणवीर कपूर है उसके साथ विजय सेतुपति है, रॉकी भाई यानी कि हमारे यश हैं, और सनी देओल पाजी हैं, तो सोचिए उस मूवी में, उस रामायण में कितनी जान होने वाली है। और आराम से इस मूवी का जो बजट है वो ऑलमोस्ट 700 से 800 करोड़ तक हो सकता है। अब अगर हम इसकी शूटिंग की बात करें तो ऑलमोस्ट 2024 के लास्ट में या 2025 के स्टार्टिंग में रामायण मूवी की शूटिंग स्टार्ट की जानी है। और जब मूवी बनकर तैयार होगी, अनबिलीवेबल, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि कितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर, ये 1000-2000 करोड़ नहीं, अगर ये लोगों के दिलों से कनेक्ट हो जाती है, जो ओम राउत ने रामायण बनाई थी, मतलब कि जो आदि पुरुष मूवी बनाई थी, वो तो बहुत ही घटिया महाफ्लॉप थी। और ये रामायण एक पार्ट में नहीं होगी, इसके 2 से 3 पार्ट आएंगे, और सभी पार्ट से हमें डिटेल्स में रामायण दिखाई जाएगी। तो आप सोचिए ये मूवी 5000 करोड़ का कलेक्शन करने का पोटेंशियल रखती है। अब आप बताइए आपको क्या लगता है, अगर ये रामायण बनती है जो कि कंफर्म हो चुका है कि बनने वाली है, तो इसकी कलेक्शन कितनी हो सकती है, और क्या आप नीतीश तिवारी की इस मूवी के लिए उत्साहित है या नहीं है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही मूवीज से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करके रखिए आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्मी फॉरएवर को।